ओके चाचा लोग, तो पठान मूवी के ट्रेलर की रिलीज डेट आ चुकी है एंड जैसा हमने बताया था कि 10 तारीख को ये ट्रेलर आपको देखने को मिलेगा राजा, एंड मिलने वाला है ठीक 11 बजे। शाहरुख खान साहब ने इस बात की पुष्टि करी है। आज के वीडियो में अपने पास दो टॉपिक है, पहला ट्रेलर से रिलेटेड एंड दूसरा एक अलग वाला लेवल का टॉपिक है, तो उससे पहले तुम सब्सक्राइब कर लेना ठीक है ना, जैसे ही दूसरे टॉपिक पर पहुंचे। सबसे पहले तो ट्रेलर की रिलीज डेट को एकदम वायरफ ने अपने अच्छे वाले तरीके से, जिस चीज से हमें शिकायत रहती थी कि भैया अपनी पिक्चर को बवाल लेवल पर बताओ कि हाँ ये एक बड़ी पिक्चर है, रिलीज डेट दो, टाइमिंग दो, सब कुछ डालो, एंड ये सारी चीजें हो गई हैं। अब ये शाहरुख खान सर की स्ट्रेटजी है, पर वायरफ की पता नहीं, लेकिन जो भी है कड़क माल है। सच में बोलूं तो बहुत ही मजा आया इस चीज को देख के। ट्रेलर की रिलीज डेट के साथ तीन नए पोस्टर्स का डालना, जॉन अब्राहम सर, शाहरुख खान सर एंड दीपिका पादुकोण आया है, क्या ही लग रही थी मतलब बवाल लेवल की, और फ्रंट से भी दिखाते तो मतलब अच्छा ही होता। जॉन अब्राहम सर के पोस्टर के बारे में मैंने एक बार जब एक नया पोस्टर आया था पठान का, तो उसमें काफी डिटेल में बात करी थी कि जो जिम नाम का कैरेक्टर है, इसमें जो हाथ में टैटू वगैरह बनवा रखा है एक मैग्नेटिक कंपास का, उसका क्या मतलब होता है। उसने लिखवा रखा था कि एवरीवन विल कम टू माय फ्यूनरल टू मेक श्योर दैट आई एम स्टिल डेड, मतलब मैं खत्म हो चुका हूं पूरी तरह से, ये देखने के लिए हर व्यक्ति आएगा कि मैं फिर से तो नहीं जिंदा हो जाऊंगा, ऐसा कुछ इस बंदे का एकदम खूंखार वाला कैरेक्टर होने वाला है। इन सारी डिटेल्स को पढ़ना हो तो मेरा आई बटन पे एक वीडियो दिख रहा होगा, उसको चेक कर लेना, बहुत सारी डिटेल्स हैं उसके अंदर, मन एकदम प्रफुल्लित हो जाएगा तुम्हारा, और इसी बात को तुम सब्सक्राइब भी कर दोगे। खैर, इन तीनों पोस्टर्स के बाद एक बहुत ही अच्छी चीज थी, वायरफ ने इसमें अपना रंग नहीं चढ़ाया, दैट मींस ये जो येलो से वायरफ का प्रेम है वो इन तीनों पोस्टर्स में नहीं दिखता है, इसी वजह से पोस्टर एकदम बैडास लेवल के लगते हैं। एंड अभी के टाइम पर वायरफ जिस तरह से इसे प्रमोट कर रहा है, दिल खुश हो जाता है सच में। 40% वायरफ ने प्रमोट किया, 60% हम क्रेडिट फिर भी उन्हीं लोगों को देंगे जिन्होंने 2 रुपए पर ट्वीट के हिसाब से ट्वीट करके इस मूवी को पूरे इंडिया वाइड पहुंचाया। पहले तो लोगों को था पिक्चर अच्छी होगी तो देखेंगे, पर अब लोगों के लिए ये बन चुका है कि मतलब देखना है तो देखना है, इनको मुंह तोड़ जवाब देना है तो देना है, यंगस्टर से काफी मूवी को सपोर्ट मिल रहा है। खैर, ये सारी बातें तो एक चिकनी चुपड़ी बातों के अंतर्गत आती हैं, जिससे आपका मन प्रफुल्लित हो और सब्सक्राइब कर दो, किया कि नहीं। अब आते हैं यहां से अपने मेन टॉपिक की तरफ, यानी हमारे सेंसर बोर्ड के कुछ आंकड़ों की तरफ, जो कि एकदम से सरकारी एजेंसी की तरह काम कर रहे हैं। बहुत ही खुल के मैं बोलना चाहूंगा, फिल्म के सेंसर बोर्ड की कॉपी रिलीज हुई है और उस पर कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको सुन के आपको भी लगेगा कि भाई साहब ये सच में ही सेंसर बोर्ड वाले ही रह गए हैं या किसी पार्टी के मेंबर, जैसा मन कर रहा है वैसा कर रहे हैं। इन्होंने इस पूरी मूवी में किन किन चीजों पर आपत्ति जनाई है उसको एक बार सुनो आप, फिर आप खुद ही बोलना कि क्या ऐसा कभी किसी पिक्चर के अंदर दिखाया ही नहीं गया, या फिर जानबूझकर इस फिल्म को ही टारगेट किया जा रहा है। सेंसर बोर्ड ने इस मूवी के अंदर जो है कुछ ऐसे शब्द जैसे कि KGB, रशियन एजेंसी, रॉ एजेंसी हो जाए अपने इंडिया की, एंड जिम के कैरेक्टर को रॉ से जोड़ने वाली बात हो जाए, वोडका नाम का एक शब्द है, वोडका जैसे तो किसी पिक्चर में आज तक बोला ही नहीं गया, भाई साहब पिया नहीं है, पिक्चरों से ही सीखा है, लेकिन फिर भी इनको इस चीज से आपत्ति है, इन सारी चीजों को रिप्लेस करवाएंगे, वोडका की जगह सिर्फ ड्रिंक बोलो, वोडका मत बोलो, इंडिया की बदनामी हो जाएगी, रॉ मत बोलो, रॉ की जगह कुछ दूसरा बोलो, KGB का नाम बदल के SBU कर दो, एंड उसके बाद जो बहुत सारे ऐसे रेफरेंसेस हैं उनको इन्होंने चेंज करने की डिमांड करी है, बेशरम रंग गाने के कुछ शॉट्स को जो है क्लोजअप शॉट्स को हटाने की मांग करी है, अशोक चक्र के रेफरेंस को इन्होंने वीर चक्र से रिप्लेस करने की मांग करी है, एंड ये सारी चीजें आपको सुनने के बाद लग रहा होगा बंदा रिवील कर दे रहा है, एक्चुअल में इन्होंने ये सारी चीजें कॉपी के तहत रिलीज भी करी पब्लिक के सामने कि भाई साहब हम इन सारी चीजों को चेंज कर रहे हैं। टू बी ऑनेस्ट, पहली बात तो सेंसर बोर्ड की कॉपीज जो है ज्यादातर जो है लीक नहीं होती हैं, हालांकि कुछ इंटरनेट पे अवेलेबल होती हैं, पर इस तरह से नहीं लीक करी जाती हैं कि हम एक एक छोटी छोटी डिटेल क्या क्या मूवी के अंदर होने वाली हैं वो चेंज कर देंगे। दूसरी चीज, आप खुद ही सोच के देखो इंडिया में कितनी सारी फिल्में बनती हैं, दुनिया का सबसे ज्यादा फिल्म बनाने वाली इंडस्ट्री है हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, और ये लोग किसी एक फिल्म को इस तरह टारगेट कर रहे हैं जैसे इससे पहले किसी फिल्म में ऐसा कुछ दिखाया ही नहीं गया हो। ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं जिनको सेंसर बोर्ड ने पास किया है, कुछ ऐसे शब्द भी, कुछ ऐसे सीन्स भी जो एकदम से प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं उनको पास कर दिया, और मूवी के अंदर इनको जो है अशोक चक्र के रेफरेंस से प्रॉब्लम हो रही है, तो आप सोच सकते हो कि ये हमारा जो सेंसर बोर्ड है वो किस दिशा में जा रहा है। टू बी ऑनेस्ट, किस दिशा में जा रहा है, किसी एक पार्टी के तहत ये काम कर रहे हैं, या फिर इन्होंने जाना है कि फिल्म को लेके कंट्रोवर्सी थोड़ा ज़्यादा जुड़ी हुई है तो चलो इस पर अपना भी हाथ साफ करके अपने आप को एकदम वीर महात्मा दिखा देते हैं, इस टाइप की कुछ चीज़ें हमारे इंडिया के अंदर चल रही हैं। एंड अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो आप सोचो वो जो सिनेमैटिक व्यू में जो डायरेक्टर्स की फ्रीडम होती है सिनेमा के अंदर अपने विजन को रखना, पहले ही कुछ
कंट्रोवर्सीज की वजह से, धर्म की वजह से डायरेक्टर्स के हाथ ऑलरेडी बंधे हैं, और ऐसे में सेंसर बोर्ड का भी इस तरह का होना, फिल्म डायरेक्टर्स किस तरह से अपनी मूवीज को बनाएंगे, आधा विजन तो उनका इसी डर से खत्म हो जाएगा यार सेंसर बोर्ड तो इसको काट देगा, भले पिक्चर के अंदर ड्रामेटिक कुछ हो या ना हो लेकिन सेंसर बोर्ड को अच्छा नहीं लग रहा तो काट देगा यार। उसने स्कॉच या फिर वोड का जैसे शब्द कभी नहीं सुने हैं, उसको एलर्जी है, उसके घर में बीवी जुतिया देती है, तो इसलिए उसने काट दिया, दैट मीन्स काट देगा। तो इससे हमारे डायरेक्टर्स की फ्रीडम भी कम पड़ जाएगी। खैर, आपका इस पूरे मैटर पे क्या कहना है, ये जो सेंसर बोर्ड इतना ज़्यादा काबिल बन रहा है, इसकी ज़रूरत है या नहीं, ये आप कमेंट सेक्शन में बताओ। सबसे बड़ी बात, किए सब्सक्राइब, नहीं किए कर दो यार। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, ओके बाय, जय हिंद।